दुबई में मृत नागदा निवासी यूसुफ खान का शव 5 महीने बाद शनिवार रात 8 बजे नागदा पहुंचा, जहां राजीव कॉलोनी स्थित घर से यूसुफ का जनाजा उठते ही छोटी बेटी तस्कीम की तबीयत बिगड़ गई। जामा मस्जिद पर नमाज के बाद शव सुपुर्द खाक किया गया। मुंबई का एजेंट इम्तियाज व नासिर अच्छी कंपनी में काम दिलवाने का झांसा देकर यूसुफ को दुबई ले गए थे, मगर वहां उसे काफ़ी परेशान किया गया, जिस कारण यूसुफ ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक यूसुफ की पत्नी बेरुल ने बताया कि यूसुफ से आखिरी बार 12 अप्रैल को फ़ोन पर बात हुई थी। चर्चा में यूसुफ ने कहा था कि 17 अप्रैल को वीज़ा खत्म हो रहा है, वीज़ा खत्म होते ही वह घर के लिए रवाना हो जाएगा, मगर एजेंट ने उसका वीज़ा बढ़वा दिया। पत्नी से चर्चा के दौरान यूसुफ ने दुबई में परेशान करने की बात भी कही थी। यूसुफ को झांसा देकर दुबई ले जाने वाला एक एजेंट नासिर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुंबई निवासी इम्तियाज गिरफ्तार है। परिजनों के अनुसार उन्होंने इम्तियाज के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए थे। ऐसे में इम्तियाज को गिरफ्तार करने के लिए संबंधित की कॉल व ट्रांजेक्शन डिटेल निकलवाई जाएगी।